तो रिव्यू मैक्रो प्रोग्रामिंग में आज हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स के बाद की अगली क्लासेस जो कि है एरे डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। हमने लास्ट क्लास में समझाया कि हम डिम आर एज ए स्ट्रिंग इंटीजर लॉन्ग बाइट वगैरह लेते हैं और लेने के बाद उसके ऊपर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, फिर उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमने उसकी कैलकुलेशन को समझाया। आज हम बात करने जा रहे हैं एरे डेटा टाइप के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मुझे 5-10 वैल्यू चाहिए होगी, हमें 5-10 वैल्यू चाहिए होगी, क्या करते हैं हम यहाँ पर लेते हैं डीम ए बी सी डी एज ए हमने इंटीजर कर दिया, राइट और फिर ए इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया 50, बी इक्वल टू दुआ हमने 60, सी इक्वल टू हमने दिया 70 और डी इक्वल टू दिया हमने 80। तो बेसिकली ये तो हम करते ही करते हैं। अगर इसी को एरे में करें, क्योंकि हमें इंटीजर ही चाहिए ना, क्योंकि सेम कास्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हम लिखेंगे डिम ए आर और यहां पे कर देंगे 1 to 5 एज ए इंटीजर, राइट। और कोई वैल्यू लोड करना होगा तो हम यहां करेंगे ए आर और यहां पे हम देंगे 1 = 50, ए आर 2 = 60, ए आर 3 = 80, राइट सर। तो इसको हम लूप वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एरे बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे। अब ये जो एरे हमने बनाया ए आर, इसके अंदर में क्या है, सिर्फ रो है, ए सिर्फ क्या है, रो है, कॉलम नहीं है, राइट सर। तो जैसे कि इसका नाम हो गया ए आर, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो अगर ए वन किया तो ये वैल्यू को यहां डालेगा, ए टू ए आर टू किया हमने तो यहां पे उसको 60 यहां पे डालेगा, अगर हमने 80 किया 3 किया तो 80 को यहां डालेगा। तो इस तरह से इसका पोजिशनिंग करेंगे बैकएंड में और इसका यूज करेंगे। तो जब आपको एक ही कास्ट के कई सारे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी तो 1 by 1 कैलकुलेट करके सिस्टम की स्पेस को करने की जगह पे आप जो है ना एक एरे डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। समझ गए आदर्श जी? यस सर। अब इसमें आगे बढ़ता है कि मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है। अब मान लीजिए कि मुझे पूरी की पूरी सीट को क्या करना है, पूरी की पूरी सीट को एक एरे के अंदर डालना है, तो उस केस में लिखेंगे डिम, मान लीजिए हमने यहां पे डी टी और यहां पे लिख दिया कि 1 to 10 रो एंड 1 to 3 कॉलम। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन एरे, कि पूरा का पूरा टेबल का परफॉर्म यहां बन गया। मतलब ये क्या करेगा, बैकएंड के अंदर में कुछ इस तरह के एक टेबल को लेगा
और इस टेबल में इसका नाम AR हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएंगे, तीन कॉलम हो जाएंगे और रो कितने हो जाएंगे, 10, रो कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है सर, इस तरह से। अब मुझे इसको वैल्यू स्टोर करनी है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मुझे वैल्यू स्टोर करनी है DT, अब यहां देखिए दो क्वेश्चन मार्क आया, पहला रो एंड दूसरा कॉलम, तो हमने बोला कि पहला नंबर रो एंड पहला नंबर कॉलम इक्वल टू 20, राइट। तो ये क्या करेगा, पहले खाने में यहां पे डाल देगी वैल्यू। अगर मैं यहां पे किया कि DT यहां पे एक नंबर दो और दो नंबर कॉलम देन इक्वल टू 30, तो वैल्यू को यहां डाल देगा दूसरे कॉलम में। इसी तरह से DT वन नंबर रो और तीन नंबर कॉलम इक्वल टू, तो यहां आपके पास अब 10 रो और तीन कॉलम है, मतलब कि टोटल 30 वेरिएबल का काम आपका ये एरे कर रहा है। अब इसका उपयोगिता जो है, हम आगे जो लूप वगैरह पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि एरे कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और कब किए जाते हैं। समझ गया सर? आदर्श जी कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन था कि पहले रो ही आता है ना, 1 to 10 मींस रो एंड सेकंड कॉमा के बाद कॉलम ही आता है। हाँ, ये आ गया आपका पहला जो आया रो और दूसरा जो आया कॉलम, ठीक है। ओके सर, गॉट इट, गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक काम करना है कि शीट वर्कबुक 2 के अंदर शीट 3 के अंदर A1 से लेके JN 2000 को सेलेक्ट करना है, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ कोड लिखेंगे कि यहाँ पे वर्कबुक्स, यहाँ पे लिखेंगे कि बुक 1.xlsx.select, या एक्स यहाँ एक्टिवेट होता है ना, एक्टिवेट, ओके। उसके बाद लिखेंगे कि sheet और यहाँ पे sheet3.select, then आप देख बोलेंगे कि range A J 20,000 या 2,000, जो भी लिखना चाहे डॉट सेलेक्ट। अब मान लीजिए कि इस ये आपका मेन डेटा सोर्स है, मेन डेटा है। अब आपको इस डेटा को जो कई जगहों पे यूज करना है, तो इतना लंबा कोड हर जगह पे यूज करना पड़ेगा, राइट। पता है इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि dim r as a range, हमने बोला कि r जो है एक रेंज है, एक सेल है, सेल्स है। फिर यहाँ पे लिखते हैं set r। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट ऊपर जो हमने डिफाइन किया इंटीजर लॉन्ग ये सब डेटा, इस पर डेटा स्टोर होता है, लेकिन रेंज वर्कबुक ऑब्जेक्ट इन सबों पे डेटा सेट होता है, याद देखिएगा इस चीज का। तो सेट हमने यहाँ पे लिखा कि वर्क बुक्स, यहाँ पे बुक 1.xlsx या xlsm जो भी हो, डॉट शीट्स, शीट्स में हमने बोल दिया कि शीट 3 डॉट रेंज, और इसमें हमने दे दिया A1 से जो भी आपका है कोड दे दीजिए AJ2000। अब मुझे आर इस एड्रेस पे, इस रेंज पे कुछ भी करना है, जस्ट आर, जैसे आर डॉट सेलेक्ट तो डीरे सेलेक्ट हो जाएगा, आर डॉट कॉपी कॉपी हो जाएगा, आर डॉट यहाँ पे आर डॉट फॉर्मेटिंग, जैसे इंटीरियर वगैरह करना है तो यहीं से आप इंटीरियर डॉट डॉट कलर कर सकते, मतलब कि अब इस रेंज पे जो भी करना है वो आप क्या कर सकते हैं, आर पे कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे एरिए का हमने बैकएंड में एक नाम लिख दिया आर।
क्या लिख दिया आर। ठीक है सर, हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं तो बाकी ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि डिम डब्ल्यू एस एज ए वर्क बुक, ठीक है, सेट डब्ल्यू एस इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक, या जो भी लेना चाहते हो दे दीजिए। अब डब्ल्यू एस के साथ कुछ भी कर सकते हैं, डब्ल्यू एस डॉट सेव एज सेव, समझ गए ना बात को सर, ये पूरा कर सकते हैं। Okay. उसी तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया कि dim s as a worksheet, ठीक है, set s equal to sheets, और यहाँ पे हम sheet का नाम दे दिया कि sheet 2 dot, बस अब sheet के ऊपर कुछ भी करना है तो s के ऊपर कर सकते हैं, इस तरह के सीट को भी डिफाइन कर सकते हैं। इससे आगे भी जैसे डिम आर एज चार्ट, आर एज पिवट टेबल, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसकी मदद से, इस ऑब्जेक्ट की मदद से। और यही नहीं, हम इस पे अपना प्रोसीजर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि सेट के इक्वल टू sheets dot add, अब मैं लिखता हूं कि with k dot name equal to data dot tab dot color equal to vv red as it dot move equal to move dot sheets dot five, जो भी शीट्स के बाद मूव करना है, और एंड विथ, इस तरह के प्रोसीजर को भी आप कर सकते हैं। क्लियर है सर? यस। कोई डाउट इसमें? नहीं।